बारे में बताना चाहते हैं कि दुरूद का वो माना होता जो लोग करते हैं रहमत, दुरूद का माना दुआ, दुरूद का माना कोई और होता तो फिर सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के अगले अदब में हाजिर होकर के क्यों पूछते कि हुजूर दुरूद क्या पढ़े, कई बरसों से आगे हम दुरूद कैसे पढ़े। शेख इस्लाम फरमाते हैं ये सहाबा का इस्तेफार बता रहा है कि दुरूद एक ऐसा मखूब है कि उसका इल्म अरबियत में पढ़ने वाले सहाबा को भी नहीं था, इसीलिए तो पूछने के लिए आए कि हुजूर दुरूद कैसे पढ़े। दुरूद सीखने को आए थे सहाबा तो अब दुरूद सिखाना चाहिए, नमाज सीखने को आए तो अभी कुछ देर पहले तो भाई जनाब मुबल्लिग साहब नमाज सिखा रहे थे, सोने का तरीका सिखा रहे थे, सिखाने की भी चेहर सिखाई जाती है, नमाज आपसे पूछी जाए कैसे पढ़े तो आप पढ़ बताएंगे। तो नाम से नमाज के मुताबिक पूछा गया, हुजूर ने तरीका बताया, रोजा रखने के बारे में तरीका बताया, दुरूद के मुताबिक जब पूछा गया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उलू अल्लाह मुहम्मद की आला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद, सही बुखारी के लिए। सरकार फरमाने ऐ मेरे सहाबा ये कहो कि अल्लाह अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर दुरूद नाज़िल फरमाए। सहाबा पूछे हुजूर सलात क्या है, हुजूर फरमाने सलात पढ़ो, जिस चीज को समझने को आए थे हुजूर वो नहीं समझा रहे, बल्कि ये फरमा रहे हैं कि ऐसे कह दिया करो, नमाज किसी को नहीं मालूम तो पढ़कर बताए दुरूद क्या चीज है नहीं मालूम तो समझाना चाहिए, अगर अल्लाह के नबी समझा नहीं रहे क्यों, जिसकी वजह से शेख इस्लाम बयान फरमाते हैं सवाल बारिश करके इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल सहाबा पर आने वाली उम्मत को यह बताया कि लोगों दुरूद का माना दरअसल क्या है, किसी के मकाम मर्तबे को समझ कर उस मर्तबे के मुताबिक तारीफ करने का नाम है दुरूद। तुम मेरा मकाम दुनिया में क्या जानते हैं, नूरानी मलकूची मखलूक उसको भी मकामा ने मुस्तफा करीब नहीं है, इंसान क्या पहचाने का मेरी मकान मेरी मतबत और मेरा मकान मेरे परवरदिगार के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है कि दुरूद पढ़ो, नमाज का हुक्म दिया तो नमाज पढ़ कर बताते, जकात का हुक्म आया जकात दे के बताते, दीगर आमान सिखाते हैं, दुरूद की बात आती है तो सरकार ये फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह के दरबार में हर तरफ के परवरदिगार तेरे हबीब का मर्तबा तेरे सिवा कोई नहीं जानता, हमने जान लिया तब के हुजूर की तारीफ कर सके, हम मकाम मर्तबे से वाकिफ नहीं है, इसलिए बोला हम तेरे दरबार में गुजारिश करते हैं तेरे हबीब का जैसा मकाम है वैसी तारीफ तू अपने हबीब की कर। इसका माना है जरूर गोया का हकीकत अपनी आजीवी का इजहार करने का नाम है जरूर, मकाम के मुस्तफा जब तक कोई पहुंच नहीं सकता ये बताने का नाम है जरूर। आज दुरूद का मतलब लोग क्या समझ रहे हैं, कह रहे हैं दुरूद पढ़ेंगे तो दुरूद का रहमत ना दे, अफसोस की बात। एक बुजुर्ग से पूछा गया जाने जाने के सारे जन सभी मजरात में मुझे पूछा गया मैं हजरत के लिए दुआएं मसरत करता हूँ मतलब मुफ्ती अब्दुल कबीर रहमतुल्लाह अपने से सुना है तो आपने बताया कि दुआए मफ़िरत अगर आप उसके लिए करेंगे तो मुझे महसूस हो रहा है कि वो तुम्हारी नादानी पर हंसेंगे, इसलिए कि जो रहमत में पहुंच चुके हैं उनके लिए मफ़िरत की क्या बात है। तो आदमी दुरूद पढ़कर ये समझना कि हम दुआ करेंगे तो उन पर रहमत नाजिल होगी, इससे बड़ा नादान तो कोई और दुनिया नहीं, बल्कि दुरूद के सदके में रहमत हम पे नाजिल होगी, हमारे गुनाहों की हमारे कदम होंगे उनमें खुदावंदी हमको मिलेगा, ये नियमत मिलती है दुरूद के सदके में। दुरूद का मजबूत समझाया ये होता है। अब वहां पर एक और मुद्दा हजरत ने बताया कि सरकार दोनों मजलिस सलाम में उम्मत मुस्लिमा हो उनकी अपनी फितरत के मुताबिक दुरूद की फजीलतें बयान फरमाई, दुनिया में हजरत ने तकसीम फरमाई के मुसलमान और इंसान तीन किस्म के होते हैं, कुछ वो लोग हैं जो किसी मनाफे पर किसी फायदे पर काम करते हैं, अगर उनको कुछ कमी सुनाई जाए कि आप ये करेंगे तो ऐसा होगा, अगर कहा जाए आपको कि आप नमाज करेंगे तो जन्नत मिलेगी तो लोग नमाज की तरफ राजी होंगे, कुछ इस किस्म के होते हैं कि डराने पर रगबत रखते हैं,
ना नफा की गरज होती है ना नुकसान का अंदेशा होता है और वो बेलौत होते हैं, मुखलिस होते हैं, उनको बस अपने महबूब को राजी करना पसंद आता है। तो शेख इस्लाम फरमाते हैं कि जो इस जज्बे में आते हैं कि नफा के मतलूब नफा का तलब रखते हैं, अल्लाह के हबीब ने उनको दुरूद पढ़ने पर बशारत अता फरमाई कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला 10 मरतबा उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है। और जो दोज़ख से डरने का खौफ रखते हैं, खौफ जिसका जिसकी फितरत है, उनके बारे में सरकार ने फरमाया कि मेरा नाम सुनकर भी अगर कोई दुरूद नहीं पढ़ता तो उससे बड़ा बकील कोई नहीं। फिर हजरत शेख इस्लाम फरमाते हैं कि जो बेदौर मुखलिस होते हैं उनके हक में अल्लाह के हबीब ने फरमाया। अब यहाँ दूसरी गुफ्तगु शुरू हुई, हजरत ने जो तफसील इसमें बयान फरमाई वो ये है कि बास खुद को सुन्नी कहने वाले लोग ये कहते हैं, उनका नजरिया ये है, बदाकिदा तो फिर बदाकिदा है, उनका ख्याल है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक्दस पर हाजिर होकर सलाम को दुरूद पेश करेंगे तो उसे सुनेंगे, और दूर से अगर पेश किया जाए तो फरिश्ते पहुंचा, ऐसा नजरिया है बात को। अभी इस तरह की कम इल्मी रखने वाले लोगों के जवाब में हजरत बारी अला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो लोग खालिस मोहब्बत में और अल्लाह के हबीब को राजी करने के लिए, रब को राजी करने के लिए हुजूर पर दूर भेजते हैं, उनके हक में सरकार ने फरमाया मामिल रजुलिन कि जो भी मुसलमान मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसकी आवाज सुनता हूँ। तो जो बेनौज पढ़ते हैं हुजूर खुद उसकी आवाज सुनते हैं, और जो मजलब के लिए पढ़ते हैं फरिश्ते उनका दुरूद पहुंचाते हैं। हजरत इस्लाम ने इस तरह की तफसील फरमाई। अब फिर यह जो कहा जाता है कि सरकार के जरिए अब्दस पर दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, सारी दुनिया के लोगों का दुरूद सलाम देकर हुजूर की खिदमत में उसके नाम और वालिदैन के नाम के साथ पेश करते हैं, इस हदीस से मालूम होता है कि सरकार दुरूद नहीं सुनते फरिश्ते पेश करते, ऐसा कहा जाता है। तो उनके जवाब में हजरत बाकी ने रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कितने अफसोस की बात है कि ये एक फरिश्ते की समाअत को मान गए, एक फरिश्ता करे अकलत में खादिम की हैसियत से है और वो सारी दुनिया के लोगों का दुरूद सरकार के दरबार में रहकर सुनता है, और आका के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर ने सुन लें, ये क्या नहीं है और ये क्या समझदारी की बात है। तो इसका अंदाजा किया जाए कि लोग पढ़कर भी कितने नाराज रहे, इसीलिए हर पढ़े लिखे आदमी को आदि नहीं समझना चाहिए। इन दरअसल नूर है, मामे शाबे ने बताया इन अल्लाह का नूर है, नापरमान को नहीं दिया जाता, नापरमान को नहीं मिलता तो फिर बदअकीदा को कैसे मिलेगा। इल्म हासिल करने के लिए जाहिर बदन की सफाई जरूरी है तो फिर बाकी में कल्ब की सफाई कितनी जरूरी नहीं होगी। तो इसीलिए आपने बताया कि नाफरमान को इल्म नहीं दिया जाता, और इल्म सिर्फ हुरूफ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, ग्रामर पर काबू पा लेने का नाम इल्म नहीं है, खूब अरबी बोलने का नाम ही इल्म नहीं है। हाँ, जो हकीकत में आलिमा होता है उसे सब आ जाता है, जाहिर में जो इल्म कहा जाता है वो सब उसको मिल जाता है जो हकीकत में आगे होता है। तो बहरहाल नाज़िर हाज़रीन, हज़रत शेख इस्लाम पानी जाने रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पर गुफ्तगू करते हुए करामत वगैरह से मुताबिक गुफ्तगू करते हुए एक जगह इरशाद फरमाया। अब ये भी मैं आज करता था, आज से तकरीबन 150 साल पहले जो उलमा थे, पहले सुन्नत के उलमा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बदअकीदा का आदमी थे वो भी कोई ऐसे नहीं थे कि जाहिर अगर हकीकत में बयान किया जाए इस वक्त के बड़े से बड़े आलिम भी पिछले जमाने के गदासी का आलिम का मुकाबला नहीं कर सकते, जाहिर तौर पर पुख्ता इल्म था, बारीक बारीक बातों पर बहस किया करते, छोटे छोटे मसले पर किताबें लिखा करते, लेकिन उसके बावजूद भी दायरा इस्लाम से निकल गए, दायरा अहले सुन्नत से निकल गए, और इतनी गहरी बहस करने वाले कि हर आलिम उनकी किताब पढ़कर समझ नहीं पाते। ऐसे लोगों में दो शख्सियतें हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है जो
बात कह देते हैं मगर पता भी नहीं चलता कि क्या कह रहे। यूं समझ लीजिए कि मुलमा शादी से काम लेते हैं, गंदगी पर चांदी का बरफ चढ़ाते हैं, ये उनका खास अंदाज है उनकी किताबों का। बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं उनमें से दो खास है बल्कि तीन कह लीजिए, एक अबुल कलाम आजाद, दूसरा सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बारे और तीसरा नजमतुल उलमा का दुबानी शिबली नुमानी जिसे कहते हैं। बहुत सारे हजरात को ये नाम सुने भी नहीं और अगर पिछली तारीख 150 साल पहले की तारीख में हम अकाबिर उलमा की तसानीफ का मुताला करेंगे, गिनती के चंद ऐसे आलिम हैं जिन्होंने ये दो बदअकीदा लोगों का हर हर जवाब दिया। उनमें एक शेखुल इस्लाम मानिए जाने रहमतुल्लाह अलैह हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा के जिन्होंने अहमद खान का भी जवाब दिया और शिबली नुमानी का भी जवाब दिया। मौलाना जी शिबली नुमानी ने एक किताब लिखी है, एक किताब तो उसकी मशहूर है अल फारूक के नाम से, फारूक आजम की जिंदगी पर हयात और एक किताब उसने लिखी है अल कलाम। हजरत गांधी जाने रहमतुल्लाह अलैह जगह उस पर कलाम करते हैं, अल कलाम पर कलाम करते हुए फरमाते हैं कि अहले इस्लाम को इस्लाम के अकीदे समझाने के लिए शिबली साहब ने किताब लिखी है, उसका नाम अल कलाम रखा है। हमने तो देखा है कि उसके किसी जुमले से इस्लाम की कोई तारीफ साबित नहीं हुई, किसी जुमले से पूरी किताब का हजरत रद्द फरमा रहे हैं दो जुमलों, उसके किसी जुमले से इस्लाम के किसी अकीदे और अमल की तारीफ नहीं होती, अलबत्ता कोई मुसलमान बेदीन जरूर हो सकता। मुख्तसर अंदाज में हजरत ने ऐसा जवाब दिया। उसके बाद हकीकत दिल के दूसरे हिस्से में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का जिक्र आया तो वहां पर हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की करामत का मतलब साबित करते हुए एक जगह फरमाया कि मौलवी शिबली नुमानी साहब ने इमाम आजम की करामतों पर भी तर्ज किया और ये कहा है कि किसी की विलायत या इमामत साबित करने के लिए इस तरह की करामतें या फिर रात में इस तरह की इबादतों का जाहिर होना जरूरी नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई बड़े आलिम है तो जरूरी नहीं है कि वो रात भर इबादत करे, ये कह रहे हैं जबकि बेहद जरूरी है। इसलिए कि औलिया इकराम ने अपनी किताबों में दलील फरमाया है कि वो किसी को दुनिया में विलायत पाबंदी या तहज्जुद के बगैर नहीं, तहज्जुद की पाबंदी के बगैर कोई वली बना ही नहीं, कि हो ही नहीं सकता कि कोई तहज्जुद नहीं पढ़ता और वली हो। एक तरफ तो ये औलिया इकराम फरमा रहे और ये शख्स कह रहा है कि इमाम आजम की जो करामतें बयान की जाती हैं और आपके रात में इबादत जो बयान की जाती है कि 40 साल तक आपने हर रात में ये कुरान पाक करी और ये बयान किया जाता है नमाज ईशा के वजू की, नमाज ईशा के वजू से नमाज बद्र अदा फरमाए, बाल हजरात ये कहते हैं कि वह मस्जिद में आया नमाज ईशा के लिए इमाम आजम के मकान पर बैठे हुए थे, सारा पता हो रहे थे, जब इमामत हुई तो आप नमाज में शामिल हो गए। लोग कहते थे कि इमाम आजम रात भर मस्जिद में रहते हैं, मैं जाते जाते आपके सूटों में कुछ कंकर डालकर चला गया, सुबह मस्जिद से पहले मस्जिद में आया तो देखा जो मौजूद है वैसे ही रखे हैं और उसमें कंकर भी मौजूद है, मैं ये जानने के लिए डाला था कि आप रात में हो सकता घर जाते होंगे फिर सुबह तक भी आते होंगे, अगर आप घर जाकर वापस तस्वीर डालते तो फिर मौजूदों में कंकर ना रहते। और कोई कितने किस्म के लोग तारीफ करते हैं मामले आजम के बारे में, सारा जमाना आपकी रात की इबादतों को मान रहा था मगर आपसे 150 साल पहले एक शख्स खुद को उलमा का आलम मजार बनाकर यह कह रहा है कि किसी की विलायत को इमामत के लिए जरूरी नहीं है कि वो शख्स बेदारी किया। तो हजरत गांधी जाने रहमतुल्लाह अलैह बड़े तफ्तीश अंदाज में उसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि विलायत या इमामत किसी की साबित करने के लिए हो सकता है कि शिबली साहब के पास शख्स बेदारी जरूरी न हो सकता है कि उनके पास जरूरी न हो, वरना आज तक सारे उलमाए इस्लाम के पास ये जरूरी अमल था। इसके बाद फरमाते हैं और उनके पास हो भी कैसे सकता है, उनके पास ये अमल जरूरी हो भी कैसे सकता है कि वो काम को खुद कर तो नहीं सकते, शर्तेदारी वो खुद कर नहीं सकते, वो ये चाहते हैं तो शर्तेदारी
आजादी और मशक्कतें उठाए बगैर खुद की नेक नामी लोगों में जाए, इसीलिए उन्होंने सत्यदारी का इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी विलायत या उनका इन मदर लोगों पर साबित करना होगा तो फिर उनको भी रात में बिस्तर छोड़कर उठना होगा। जो काम वो खुद नहीं कर सकते, साबित ना अइमा के कामों को उन्होंने बिल्कुल मामूली कर दिया और उसको हल्का करके कहा। जवाब देने का अंदाज है हजरत शेख उल इस्लाम हाजिर, हजरत शेख आम किस्म के लोगों का ऐसा जवाब शायद कोई अच्छा समझ में ना आए, लेकिन जो इल्म रखते हैं, मजाक इल्म रखते हैं, मतलब दस्तक रखते हैं, उनको पता होता है ये जवाब कितना दिल पे असर करता है। जहरी सब दिल जो असर नहीं करता, ये जवाब उसको ज्यादा असर करता है। तो बहरहाल हजरत शेख उल इस्लाम दानी जाने निजामे अखतारे बदअकीदा के जो सरगुरु होते हैं बानी होते उनका हक करते हुए मकासद इस्लाम के दूसरे हिस्से में जो ये फरमाया कि उसने सईद अहमद खान का भी नाम दिया है, आपने इब्ने नुमानी का भी नाम दिया है, उसके बाद ये फरमाया कि इस तरह के मुसलमानों से जिनको जमाना आज बड़ा एहतियत करके बयान कर रही, ऐसे लोगों के नाम पर यूनिवर्सिटीज है, ऐसे लोगों के नाम पर सड़कें बनाई जा रही है, एवार्ड तकसीम किया जा रहा है, ऐसी शख्सियतों के बारे में शेख उल इस्लाम फरमाते हैं कि जिनके मुसलमान रहने से मिल्लत इस्लामिया में मर्दुम शुमारी के फायदे के सिवा कोई और फायदा हासिल नहीं। वोटर लिस्ट देखने के लिए नाम वगैरह देखे जाते हैं, कितने लोग हैं, वोटर तलाश किए जाते हैं, गिनती बयान की जाती है, जवाबी मिसाल के तौर पर 15 लाख मुस्लिम वोट है। तो ये जो मर्दुम शुमारी है, ऐसे लोग जिनको समाना आदमी कह रहा है, वो समा रहे हैं कि मुसलमान कहलाने का भी हक नहीं रखते, सिर्फ इतना फायदा होगा कि दो लोग ज्यादा मुसलमान हैं ये कह सकेंगे। अंदाज देखिए बयान कर अभी उसके बाद हजरत इसके बाद फरमाते हैं, अगर कोई इस्लाम से निकलना चाहे तो निकल जाए, खस कर जहां पार कचरा अगर साफ हो जाएगा तो दुनिया पार हो जाएगी। इस कदम के लोगों का हर हजरत शेख उल इस्लाम जिस अंदाज में फरमाते हैं, जुमले ऐसे मामूली से जैसे जुड़े होते हैं कि कोई शिद्दत नजर नहीं आती, मगर मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा शिद्दत कोई और मुद्दों में नजर नहीं आती। हमारे भाजी हजरत शेख उल इस्लाम काली जाने जाने बुलाए दीन इस्लाम की हिमायत अकाइद सैया के इस बात के जवाब थे। तो हाजरी अंगूठे सुनने का मसला समझा रहे हैं, हजरत शेख उल इस्लाम की शख्सियत उलूम ज़ाहिरा में भी पेश था, आज जो साइंस तरक्की करके ये मंजिल पर पहुंचा है। शेख उल इस्लाम आज से 150 साल पहले बड़े बड़े साइंसदानों की खाद दे रहे थे, उन्होंने जो तहकीकात की उन तहकीकात का जवाब उन्हीं के कानून ने दिया और बड़े बड़े साइंसदानों के बारे में कहा इसने यहां गलती की वहां गलती। हमारे मुताज मतलब हजरत ज़ियाउल मिल्लत का इस बारे में एक वादा का इशारा है और मकाला भी आता है जबी गुलूम पर गुलूम साइंस पर शेख उल इस्लाम ने महारा। तो बहरहाल महाराज हाजरी अंगूठे सुनने के मसले के मुताबिक हजरत फरमाते हैं कि जैसे दुनियादारी वगैरह को समझाते हुए फरमाते हैं हजरत के हमने सुना है महाराज उल इस्लाम के हिस्से नहूं के तकरीबन 860वें सफे पर तहरीर फरमाते हैं कि हमने सुना है कि एक दासिन की आला निकला है, उसके जरिए एक आदमी अपनी आवाज दूर दूर मकान तक पहुंचा सकता है, मतलब घरों में रखे जाने वाला फोन मोबाइल फोन तो नहीं था। तो आप बता रहे हैं कि एक लासिन की आला निकला है वायरलेस का मतलब यहां बोल रही है, पहले तो फोनों को वायर होता था, तो वायरलेस मुराद नहीं है, आपको मिसाल के तौर पर हैदराबाद से बेंगलोर में बात करनी है तो यहां से वहां तक वायर तो नहीं था, ये वायरलेस कहना चाह रहे हैं। तो बना रहे नासिर की एक आना निकला है कि आदमी अपनी आवाज यहां से वहां पहुंचा दे, उसके बाद बताते हैं कि आखिर आवाज यहां से वहां कैसे पहुंच रही है, इसके बारे में वहां तीन यानी दुनियादार वहां तीन का कहना है कि आदमी जब अपनी आवाज निकालता है तो उसकी आवाज हवाओं में मुखलत हो जाती है, मखलूक हो जाती है, मिल जाती है, फिर इसकी आवाज हवाएं यहां से वहां तक पहुंचती है तो वो आवाज भी हवा वहां तक ले जाती है। इसको तो उस जमाने में भी लोग मानते थे, अब अगर कोई कहता मैं नहीं मानता तो
उससे बड़ा नादान और बेवकूफ तो और कोई दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि सारे मोबाइल के जरिए इंटरनेट के जरिए जो आवाजें पहुंचाई जा रही है तो हवा ही है। हवा ना होती तो फिर उसके जरिए कोई अपनी बात पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं। तो इंसान की आवाज हवा दूर 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 मकाम तक ले जाती है। कैसे ले जा रही है? वो पहुंचाने के लिए हजरत फरमा रहे हैं कि एक से दूर उस मकाम तक वायर का इस्तेमाल किया जाता है, फिर दूर से दूर मकाम तक हजरत एक लफ्ज इस्तेमाल करता है जिसको हम सेकंड हैंड से तारीफ कर सकते हैं। एक दूसरा लफ्ज उनको जबान में आपने इस्तेमाल किया तो उसके जरिए आवाज पहुंचती है। इसके बाद हजरत फरमाते हैं अब मसाला बोले सुनने का समझिए कि जब मुअज्जिन अजान कहते हैं और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो सरकार के नाम में मुबारक की बरकतों से हवा मुतजब हो जाती है और जहां जहां तक आवाज पहुंचती है ये नाम मुबारक हवा आवाज आने का मतलब ही ये हुआ कि ये आवाज वहां तक पहुंच रही है तो नाम मुबारक की बरकतों को लेकर जा रही है। क्योंकि आवाज नहीं पहुंचती तो हवा नहीं पहुंचती, हवा पहुंचती आवाज ना आती तो बरकत ना आती, आवाज आ रही है तो नाम के साथ हवाओं में नाम पाक की बरकत है। इसीलिए अल्लाह के हबीब ने सहाबा को तालीम अता फरमाई कि नाम सुनकर झूम लिया करो। तो नाम सुनकर झूमने का मतलब क्या है? नाम पाक की बरकतों को अपने आंखों से अपने बातिन में पहुंचाना और अपने मुंह से अपने बातिन में पहुंचाना। तो जो असल की बात सुनते हैं उनको अपने अंदाज में समझ सकते हैं। और अगर हमने एक बात अमल की आगे तो एक बार मेरी समाज कर लीजिए, कशिश जमीन के मुताबिक गुफ्तगू की जाती है। वैसे हमारे अहले सुन्नत के उलमा इकराम ने खासतौर पर आला हज़रत अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह जमीन गर्दिश नहीं करती। पानी रहमत इस्लामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह की तहरीरात पढ़ेंगे तो यही जाहिर होता है कि आप भी गर्दिश जमीन के काबिल नहीं, ये जाहिर होता है। आप किसी और की तहरीर में कोई और बात होगी तो मैं इतराज नहीं करता, मगर हमने जो पढ़ा है जो बात साबित होगी वो अर्ज कर रहा हूँ। आपकी जल्दी रात से जो बात साबित होगी, खासतौर पर आपने इस पर जो बहस करवाई है वो किताब अकल में है और इस्लाम के सातवें हिस्से में है, तीसरे हिस्से में जो आपने इस पर गुफ्तगू सुनवाई। तो हजरत फरमाते हैं कि गर्दिश जमीन के और सारे जहां के गर्दिश के फायदे, साइंसदान कहते हैं कि सूरज गर्दिश कर रहा है, चांद वगैरह जमीन वगैरह सही आ रहे सारे के सारे गर्दिश के। पुराने पाक को कहता है कुल की पार्टी या समुद्र के सारे सैयारे अपनी गर्दिश पर चल रहे हैं, अपनी रूट पर चल रहे हैं, फिर पता भी नहीं होती है। तो इससे बात हजार कहते हैं कि गर्दिश साबित होती है, लेकिन ये गर्दिश नहीं साबित होती, ये सफर साबित होता है। चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं, हर चलने वाली चीज का फिरना जरूरी नहीं। आप बॉल फेंकेंगे तो अगर घुमाकर खास अंदाज से फेंकेंगे तो फिर के जाता है, सीधा फेंकेंगे तो सीधा जाता है। तो हर जाने वाली चीज का गर्दिश करना जरूरी नहीं। तो कुरान में चलने का जिक्र जरूर आया है, अगर गर्दिश का जिक्र नहीं आया तो वह कुछ हजरात ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं। हजरत शेख इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जो फरमा रहे थे उसका खुलासा कर रहा हूं कि साइंस से मुतासिर होने वाले लोग खास तौर पर दुनियावी तालीम पढ़ने वाले नौजवान मुसलमान वो गर्दिश जमीन के कारण उनको नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि ये जो मसला है दर हकीकत बेदीनी और इल्हाद और इनकार मुतावजी तक ले जाता है। ये बोलने के लिए छोटी सी बात, जमीन गर्दिश कर रही है नहीं कर रही है, झगड़ दो लड़ दो बातें कर दो इख्तलाफा कर दो, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? शेखुल इस्लाम को समझा रहे हैं अपनी किताब में। आप इख्तलाफात पर गुफ्तगू जब करते हैं तो उसके नुकसान को बताते हैं, तो फरमा रहे हैं कि इसका नतीजा ये निकलता है। दरअसल ये जदीद उलूम मालूम का ये अकीदा उनका नजरिया है कि दुनिया का कोई खालिक और दुनिया का कोई मालिक नहीं है। तहरीबंदी से कहते हैं कोई मालिक नहीं है, तो जब सवाल पैदा होता है कोई मालिक नहीं है तो ये सब कहां से बने? तो वो कहते हैं कि सारी चीज बस एक ही मानता था, सब एक ही मानता था, अचानक उसमें इंकलाब आ गया, हट गए, हट गए तो कोई सूरज बना, कोई चांद बना, कोई बिजली बना, कोई कुछ बना। और जब वो हट गए हैं तो इस कैफियत के साथ हटे कि उनके अंदर गर्दिश आ गई और कशिश आ गई,
और उनके अंदर मखनाती सड़ाई है। अब उसके बाद एक समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, मखनाती से लड़ा थोड़ी तो दो रूप होते हैं, एक रूप को जो उससे जुड़ा हुआ था, आप वह रूप को मिलाना चाहेंगे तो बात आसानी से मिल जाएगा, और वह रूप जो उससे जुड़ा था उसको मिलाना चाहेंगे तो उन्हें मिलेगा। मतलब यह हुआ कि मखनातीस में कशिश की भी सलाहियत है और कफा की भी सलाहियत है। वो यही साबित करना चाहते हैं कि ये फटे हुए मादों में कशिश की भी सलाहियत है, कफा की भी सलाहियत है। जो खुद से कशिश करते हैं, कभी कशिश का गलबा आ जाता है तो भी कशिश होती है, कभी कफा करने का गलबा आता है तो भी कशिश होती है। तो ये दुनिया खुद बनी हुई है, इन कार्यों को दारू मिलकर ये बात दे जाती है, मगर इस महान और इस उसके नुकसान की तरफ लोगों की नजर नहीं है। अब शेखुल इस्लाम उनके नजरिए को कैसे बातचीत करते हैं आपको समाप्त कीजिए, या आपकी बात रखते हुए मैं अपने खत्म करूंगा। हजरत शेखुल इस्लाम ये फरमाते हैं कि जल्दी से कशिश जमीन के फाये होने वाले उलमा से हम ये पूछते हैं कि जमीन वाकईतन खींचने वाली है, कहेंगे कि हाँ जमीन खींचने वाली है, तो हजरत फरमाते हैं कि क्या बात है कि जमीन अगर कशिश करने वाली है तो आप कोई दलील दीजिए। तो दलील देने वाले के जलील गुरुओं वाले कहते हैं कि देखिए पत्थर, कोई सख्त चीज ठोस चीज आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे चल जाती है, कोई हल्की चीज अगर उड़ाएंगे हवा में उड़ जाती है, समाज की अफवाह से जमीन खींच रही है, इस वजह से पत्थर जमीन की तरफ आ रहा है। अगर जमीन में कशिश नहीं होती तो पत्थर नीचे ना गिरता। अपनी बात है आसानी से लोग समझ जाते हैं, खासतौर पर वो लोग जिनकी आफत बहुत कम है, क्योंकि कम अपन लोगों को ही दुनिया की मिसालें ऐसी समझ में आती है। हजरत गाली जाने रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे मकाम पर फरमाया कि हमारा दीन अकल के मुताबिक है, हमारा दीन अकल के मुताबिक है, अगर नाकिस अकल के मुताबिक नहीं है, कामिल अकल के मुताबिक। और अकल कामिल कब होती है? दीन की बातों के पीछे अकल लगाएंगे तो कामिल, और दीन की बातों को अकल के पीछे लाएंगे तो नाकिस। तो बहरहाल हजरत ने ये फरमाया कि अगर जमीन में कशिश होने के लिए आप पत्थर का नीचे आना साबित कर रहे हैं तो हजरत फरमाते हैं क्या बात है कि पत्थर से ज्यादा हल्का परिंदा भी उड़ता है तो जमीन उससे नहीं खींचती। जब जमीन में कशिश है तो फिर परिंदे को क्यों नहीं खींच रही है, पत्थर को क्यों खींच रही? तो यहां फिर आपने खुद सवाल किया, अब यहां जवाब यह दिया जा सकता है कि पत्थर ने अपनी कुवत इस्तेमाल नहीं की, इस वजह से जमीन जहां आने हुआ, परिंदा अपनी कुवत इस्तेमाल कर लिया इसलिए वो उड़ने लगा। जवाब बन सकता है, हजरत खुद जवाब बना रहे, फिर उसके खुद का जवाब देते हैं, फरमाते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि परिंदे ने अपनी कुवत इस्तेमाल की तो क्या परिंदे की कुवत जमीन की कुवत से बनी हुई है? फिर यह भी मानना पड़ेगा, अगर परिंदे की कुवत जमीन की कुवत से बनी हुई है तो फिर यही जमीन कुलम वाले कहते हैं कि जब जमीन सूरज के करीब जाएगी तो सूरज जमीन को खींच लेगा। तो आप फरमाते हैं कि फिर क्या बात है कि परिंदा अपनी कुवत को जमीन के मुकाबले इस्तेमाल कर रहा है, वो सूरज क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा? कई तरह के इतना के जवाब शेखुल इस्लाम ने देकर मिलत इस्लाम ने आपको समझाया कि लोगों ये नई नई बातें जो दुनिया में आ रही हैं उनकी बातों में दीन इस्लाम हमारे पुराने पाक हदीस शरीफ उलमाए आलम के जरिए हमको जो मिला है उस पर हमें पूरे पाबंद तरीके से अमल करना चाहिए। और अगर साइंस वगैरह उलूम से दिलचस्पी भी अगर कोई रखते हैं तो उन्हें चाहिए कि उलमाए हक उलमाए इस्लाम की किताबों का भी मुताला करें और ये देखें कि इन हजरात ने इस्लाम को जदीद नजरिए के मुताबिक कैसे समझाया। गुमराह लोगों के कलीजे में उम्मीद जब वो पैरने में जाएंगे तो गुमराही के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो बेरान हजरत शेखुल इस्लाम गाली निजामिया इमाम अल्लाह फारूक रहमतुल्लाह की शख्सियत आपके इस इल्मी कारनामे में बड़ा विस्मार है, गोया मुसलमानों पर हजरत शेखुल इस्लाम का एक बड़ा एहसान है और आप इतनी दूर अंदेशी के साथ काम करने वाले हैं कि शेखुल इस्लाम ने अपने जमाने में मुल्क हालत में खिदमत अंजाम दी, ऑस्ट्रेलिया में भी आपने एक मस्जिद बनाई और अजमेर शरीफ में मदरसा कायम फरमाया, इतने बड़े कारनामे हैं कि अंदाजा नहीं किया जा सकता कि दखल में रहने वाली शख्सियत का काम दुनिया में आज से 150 साल पहले इतना फैला हुआ।
और हजीब जायरत मान हजरत शेख इस्लाम ने जो कायम फरमाया उस जायरत मान की किताबें आज से 100 साल पहले मिस्र से छपा करती और वही मिस्र की कॉपी पूरी दुनिया दुनियाए अरब के लोग आज तक छाप रहे। किताबें बहुत सारी हैं, कंजुल मार और अनुस्तक इमाम हाकिम की किताबें, ऐसी कितनी किताबें हैं दुनियाए इस्लाम को पता भी नहीं था कि ये किताबें मौजूद है। शेख इस्लाम ने लाइब्रेरियों से उनके मकतूबे निकाले और उसको जैवर तबाद से आरास्ता फरमाया, दुनिया भर में हाथ की किताबें खोल चुकी। तो बहरहाल हजरत शेख इस्लाम की शख्सियत अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम की तरक्की के लिए मुंतखब फरमाया, हमारे लिए सआदत मंदी है कि हम उन बुजुर्ग का जिक्र करके अपने गुलामों का कफारा का काम अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि खुद शेख इस्लाम ने एक रिवायत नकल फरमाया मकासिद हसना से कि जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है अल्लाह वालों अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है और जिक्र करने वालों के लिए गुलामों का कफारा होता है। अल्लाह ताला दुआ परवरदिगार शेख इस्लाम के जिक्र पाक के सदके में हमारे गुलामों की बख्शीश फरमाए और आपका पैगाम हमारे जाहिर व बातिन में जारी फरमाए। सल्लल्लाहु तआला सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाह।